मंगल ग्रह पर केकड़े से लेकर अजीब रोशनी तक, विशाल पैरों के निशान चिन्हों से लेकर कॉम्प्लेक्स पैटर्न तक, इस वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन मार्शियन विषमताओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में किसी भी स्पेसिफिक थ्योरी को एक्सपोज करने या विश्वसनीयता प्रदान करने का प्रयास नहीं किया गया है। इसमें हम केवल फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं। क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर में मंगल ग्रह के क्षितिज पर एक चमकदार रोशनी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर मंगल ग्रह के आसमान में उड़ते हुए एलियन क्राफ्ट की थ्योरी से भरी पड़ी है। हालांकि इस तस्वीर के तुरंत पहले और बाद में ली गई तस्वीरों में यह चमकदार रोशनी नहीं है। इस असाधारण घटना का कारण जो भी हो, लेकिन ये घटना अविश्वसनीय रूप से बहुत तेजी से हुई। यह पहली बार नहीं है जब हमने मंगल ग्रह पर इस तरह का कुछ देखा है। 2014 में भी क्यूरियोसिटी रोवर ने एक और चमकदार रोशनी की इस तस्वीर को कैप्चर किया था। इस तस्वीर ने उस समय इंटरनेट पर हलचल मचा दी थी और लोग एक एलियन बस्ती से लेकर पहले संपर्क का प्रयास कर रहे एलियंस की थ्योरीज की चर्चाएं करने लगे थे। हालांकि इस तरह की रोशनी नासा की टीम को नियमित रूप से दिखाई थी और अब इसकी एक उचित एक्सप्लेनेशन भी है। क्यूरियोसिटी के नेविगेशनल कैमरा के लिए नियुक्त नासा टीम लीडर ने कहा कि क्यूरियोसिटी रोवर से प्राप्त हजारों तस्वीरों में हमें ये चमकदार रोशनी लगभग हर हफ्ते देखने को मिलती है। ये कॉस्मिक किरणों की वजह से हो सकता है या सबसे संभावित स्पष्टीकरण के रूप में सतह पर मौजूद चट्टानों से चमकती धूप के कारण। मंगल ग्रह की सबसे प्रसिद्ध विषमता में से एक है द फेस ऑन मार्स। 1976 में नासा के वाइकिंग 1 ऑर्बिटर द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर ने दशकों तक एलियन सभ्यता की थ्योरीज और सस्पेंस को बनाए रखा। सन 2001 में कैप्चर की गई डिटेल्ड तस्वीरों से ये संदेह खत्म हुआ। इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये मंगल ग्रह की एक साधारण पहाड़ी है जिसमें कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें 1976 की तस्वीर में एक स्पष्ट चेहरा क्यों दिखाई दिया था? ये पेरिडोलिया नामक एक घटना के कारण होता है। हम मनुष्य किसी भी अव्यवस्थित चीज में एक पैटर्न को देखने के लिए बायोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हैं। यही कारण है कि हमें बादलों में चेहरे दिखाई देते हैं। ये एक समय में हमारे पूर्वजों के लिए जंगल में जीवित रहने के लिए एक उपयोगी चीज थी। मंगल ग्रह पर विषमताओं के कई अन्य उदाहरण हैं, जो पेरिडोलिया घटना का ही परिणाम है, जैसे कि ये तथाकथित मानव जांघ की हड्डी। 2017 में क्यूरियोसिटी ने इस तस्वीर को कैप्चर किया था जिसमें हमें तोप के गोले जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये पेरिडोलिया के कारण ऐसा लग रहा है। ये तथाकथित तोप का गोला 1 इंच का केवल 1/4 है या 5 मिलीमीटर के आकार का है। यह वास्तव में हिमाटाइट से बना एक कंकड़ है जिसे आमतौर पर अपॉर्चुनिटी रोवर द्वारा कैप्चर इस पुरानी तस्वीर में देखा गया है। हालांकि ये दिलचस्प है कि हेमाटाइट की उपस्थिति प्राचीन अतीत में प्रचुर मात्रा में पानी की उपस्थिति का संकेत देती है। स्पिरिट रोवर द्वारा लिया गया 2007 में यह पैनोरमा शुरुआत में लोगों के लिए ध्यान का केंद्र नहीं था, जब तक कि एक UFO वेबसाइट ने एक कहानी प्रकाशित नहीं की कि कैसे इस तस्वीर के बाएं कोने में एक बड़ा पैर दिखाई दे रहा है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? आइए इसे करीब से देखते हैं। इस विचित्र विशेषता को एक बड़े पैर या एक महिला के स्टैचू के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। हालांकि मंगल ग्रह पर चट्टानों की मात्रा को देखते हुए पेरिडोलिया घटना के यहां काम करने के बहुत सारे अवसर हैं। 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर ने इस तस्वीर को माउंट शाप पर्वत के पास कैप्चर किया, जिस पर ये रोवर आज भी चढ़ाई कर रहा है। इस तस्वीर में चट्टान की अजीब सी बनावट को देखा जा सकता है जो चम्मच की तरह दिखाई दे रही है। विशेष रूप से इस बारे में दिलचस्प बात यह है कि कम गुरुत्वाकर्षण और कम घने वातावरण के कारण मंगल ग्रह पर चट्टानों की बनावट इस प्रकार की हो जाती है, जिन्हें हम शायद पृथ्वी पर कभी नहीं देख पाएंगे। इस चट्टान पर यह बनावट संभवतः हवा से लाखों वर्षों में बनी है और हमें एक चम्मच के रूप में दिखाई दे रही है। 2019 में ओहायो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम रामोसर ने दावा किया कि मंगल ग्रह पर जीवन अस्तित्व में है और आज भी मौजूद है। नासा रोवर से प्राप्त तस्वीरों की जांच करके एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान प्रोफेसर ने कहा कि उन्होंने इन दानेदार तस्वीरों में पृथ्वी पर मौजूद कीड़ों जैसे लक्षण देखे हैं। दुर्भाग्य से यह सबसे अधिक संभावना है कि ये भी पेरिडोलिया का ही एक उदाहरण है।
एक कीट विज्ञान के प्रोफेसर को किसी और चीज की तुलना में कीड़े दिखने की ज्यादा संभावना है। जैसे कि विशाल पैर पर विश्वास करने वाले लोगों को एक विशाल पैर के दिखने की ही ज्यादा संभावना है। इन तस्वीरों से लगभग कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। वैज्ञानिकों के पास रोवर से प्राप्त स्पष्ट तस्वीरों की भरमार है, लेकिन अभी तक कीड़ों की कोई डिटेल्ड तस्वीर नहीं देखी गई है। अब पेरिडोलिया की घटना से आगे बढ़कर कुछ बेहद दिलचस्प चीजों की ओर देखते हैं। इन अजीब से घूमते हुए पैटर्न्स को अथवास्का वैलस क्षेत्र में देखा गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये अतीत में आई भयावह बाढ़ से पैदा हुए थे। इस तरह के 200 से अधिक पैटर्न्स देखे जा चुके हैं और अन्य क्षेत्रों में इससे भी ज्यादा पैटर्न्स पाए जाने की उम्मीद है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पैटर्न्स एलियन जीवन के जीवाश्म अवशेष हो सकते हैं, तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि ये घुमावदार पैटर्न्स लगभग 100 फीट डायमीटर के हैं या करीब 30 मीटर से ज्यादा के हैं। दुर्भाग्य से ये पैटर्न किसी भी एलियन जीवन के संकेत नहीं है, ये बस एक घटना है जो लावा कॉयल के रूप में जानी जाती है। ये पृथ्वी पर हवाई के बड़े द्वीपों पर भी देखे जा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी पर इनका आकार केवल 1 फुट डायमीटर के आसपास है, जो मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले पैटर्न्स की तुलना में बहुत छोटे हैं। 2017 में नासा के एक ऑर्बिटर ने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की इस तस्वीर को कैप्चर किया। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र को स्विस चीज टेरिटरी नाम दिया है और इस तस्वीर की खास विशेषता है दाईं ओर बना यह विशाल गड्ढा, जिसे देखकर वैज्ञानिक आश्चर्य में हैं। प्रमुख विचार ये है कि यह गड्ढा अंतरिक्ष से आई एक चट्टान के कारण हो सकता है या ये सतह कोलैप्स हो चुकी है। ये दोनों घटनाएं आमतौर पर मंगल ग्रह पर होती रहती हैं। हालांकि अन्य लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मंगल ग्रह पर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस है। मंगल ग्रह पर सबसे दिलचस्प विषमताओं में से एक मीथेन का रहस्य है। क्यूरियोसिटी रोवर ने खोजा कि मीथेन की मौजूदगी देर से आने वाली मार्शियन गर्मियों में मौसमी पैटर्न का पालन करती है। जैसे ही इस मीथेन का उत्पादन होता है, तब इसका कंजम्पशन वर्तमान में अज्ञात प्रक्रिया द्वारा हो जाता है। यहाँ दो संभावित एक्सप्लेनेशन है, एक बायोलॉजिकल है और दूसरी भूवैज्ञानिक है। पहली है कि इन वेरिएशंस को मीथेन का उत्पादन करने वाले और मीथेन को कंज्यूम करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो मंगल ग्रह की सतह के नीचे रहते हैं। मंगल ग्रह की सतह के नीचे इस तरह के जीवन को बनाए रखने के लिए सही प्रेशर और तापमान हो सकता है। दूसरी एक्सप्लेनेशन भूवैज्ञानिक है कि मीथेन मंगल ग्रह की सतह के नीचे फंसी हुई है, जो समय समय पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड्स और ज्वालामुखियों से निकलती है। इनमें से कोई भी थ्योरी सिद्ध नहीं हुई है और ये एक लंबी प्रतीक्षा होगी जब तक कि हम अधिक निश्चित उत्तर नहीं पा लेते। परसिवरेंस रोवर के पास मीथेन डिटेक्टर नहीं है, लेकिन ये सतह के सैंपल ले सकता है। इन सैंपल्स को भविष्य में धरती पर वापस लाया जा सकता है और करीब से अध्ययन किया जा सकता है। 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर में एक पिरामिड जैसी संरचना दिखाई दे रही है। हालांकि जब हम जूम आउट करते हैं और रोटेशन को सही करते हैं, तो इस तस्वीर में इस संरचना की सही स्थिति का पता चलता है। अगर कोई एलियन जाति पिरामिड बनाना चाहते, तो वो एक पहाड़ी को तो बिल्कुल नहीं चुनते और निश्चित तौर पर वो संरचना बहुत विशालकाय होती। 26 दिसंबर 2013 को अपॉर्चुनिटी रोवर ने एक छोटी सी ड्राइव पर जाने से पहले इस तस्वीर को कैप्चर किया। 8 जनवरी 2014 को केवल 12 दिनों के बाद अपॉर्चुनिटी उसी साइट पर वापस लौटा और एक चट्टान दिखाई दी। इस चट्टान की चमकदार दिखावट और स्वतः संचालक क्षमताओं ने वैज्ञानिकों को अचरज में डाल दिया। ये नासा की टीम के लिए बहुत रुचि का विषय था। सबसे संभावित एक्सप्लेनेशन ये है कि ये चट्टान अपॉर्चुनिटी की उस छोटी सी ड्राइव के दौरान सतह से उखड़ गई होगी। इस चट्टान के ब्राइट और डार्क हिस्से इस थ्योरी का समर्थन करते प्रतीत होते हैं, क्योंकि चट्टान के उज्ज्वल हिस्सों को देखकर साफ प्रतीत होता है कि ये चट्टान नए सिरे से वातावरण के संपर्क में आई है। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर द्वारा कैप्चर की गई ये तस्वीर एक विशाल लंबे बादल को दिखाती है। इस बादल को पहले भी कई बार देखा गया है और ये मंगल ग्रह पर केवल वसंत में दिखाई देता है। दुर्भाग्य से ये धुएं का कोई एलियन सिग्नल नहीं है। कई लोगों का मानना था कि ये मंगल ग्रह पर एक विशाल विस्फोट का परिणाम है, लेकिन अब हम जानते हैं कि
ये हवा के उस क्षेत्र के लैंडस्केप से तेजी से निकलने का परिणाम है, जिससे हवा ऊपर की ओर उठती है और लंबे बादलों का निर्माण होता है। इस तस्वीर में शायद सबसे बदनाम विषमता है, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? ये मंगल ग्रह पर एक केकड़े का केस है। आपने शायद इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा। इस क्लोजअप तस्वीर में केकड़े के आकार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, हालांकि ये फोटोशॉप का परिणाम है। अगर हम नासा की ओरिजिनल तस्वीर को देखें और जूम इन करें तो डिटेल स्पष्ट नहीं दिखाई देती और कोई वास्तविक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि ये वस्तु क्या है। ये तस्वीर के कंप्रेशन के कारण जेपेग आर्टिफैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम रोवर से एक समय में केवल स्मॉल अमाउंट में डेटा प्राप्त करते हैं। रोवर्स को पृथ्वी पर डेटा वापस भेजने से पहले एक तस्वीर को कंप्रेस करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। जब एक तस्वीर कंप्रेस होती है तो इसे 8x8 पिक्सल स्क्वेयर्स में अलग अलग डिवाइड किया जाता है और ये पैटर्न सलाखों की तरह समानांतर फ्रेमवर्क की तरह लगता है। अगर हम तस्वीर को पूरी तरह से खोलकर देखें तो वास्तव में हमें ये दिखाई देगा, जैसा कि इस वीडियो में पहले भी मेंशन किया जा चुका है, कि पेरिडोलिया के कारण ये कुछ लोगों को केकड़े के आकार का लग रहा है, या हम वास्तव में मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ की पहली तस्वीर देख रहे हैं। किसी भी तरह से हम केवल तस्वीर की क्वालिटी से नहीं बता सकते हैं कि ये क्या है। अगर नासा को मंगल ग्रह पर वास्तव में एलियन लाइफ के प्रमाण मिले होते तो वे हमें बताने वाले सबसे पहले होते। हालांकि हर एक तस्वीर को पेरिडोलिया के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन रोवर्स द्वारा कैप्चर की गई तस्वीरों की मात्रा और मंगल ग्रह पर चट्टानों की मात्रा को देखते हुए ये केवल समय की बात है कि कब जैसे कोई दावा करने लगे कि मैंने इस तस्वीर में एलियन जीवन के साक्ष्य ढूंढे हैं। अगर आपने भी इस वीडियो के दौरान एलियन जैसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है तो कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे भी कुछ मिला है जो सिर्फ पेरिडोलिया का परिणाम है। नासा के रोवर्स मंगल ग्रह पर विषमताओं का पता लगाने के साथ साथ एक महान खोजकर्ता भी हैं, और प्रत्येक रोवर के पास हमें बताने के लिए एक कहानी है। इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा।